हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आज मैं आपको मैथमेटिकल फिजिक्स में लेक्चर 7 लेके आया हूं और जो क्वेश्चन लेक्चर 6 से बच गए थे वो क्वेश्चन अब इस लेक्चर में होंगे। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो देखें। आप वीडियो जब देखते हैं तो उसकी स्पीड ज़्यादा कर लेते हैं या फिर पूरी देख नहीं पाते। आप पूरी वीडियो देखिए तो सही, एक एक पॉइंट आपकी समझ में आएगा। जब आप वीडियो ही अच्छी तरह से पूरी नहीं देखेंगे तो फिर समझ में कहाँ से आएगा। तो आप एक एक पॉइंट देखिए वीडियो को आराम से बैठकर, कम से कम आप 20-25 मिनट मेरी वीडियो के लिए दीजिए। अगर समझ में ना आवे तो अनसब्सक्राइब कर देना और समझ में अच्छा आए तो सब्सक्राइब करना। तो चलिए, और मैं कृष्णा की बुक पढ़ाता हूँ, और कृष्णा की ना हो आप बुक खरीदो मत खरीदो, कोई ज़रूरत नहीं है बुक खरीदने की, क्योंकि मैं बुक से भी ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। हर टॉपिक पर आर्टिकल और क्वेश्चन पूरे पूरे दूंगा। अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो वो कृष्णा की है, जिसके राइटर खुशवंत सिंह या JP चौहान, इनका नाम है, विक्रम सिंह भी नाम लिखा हुआ उस बुक पर, तो आप बुक खरीद सकते हैं। तो कल मैंने क्वेश्चन 13 तक कराए थे 6 लेक्चर में, आज हम क्वेश्चन 14 कराएंगे। तो आप देखते रहिए, अगर इसमें आप रेस्पॉन्स मुझे अच्छा देंगे तो फिर इसकी दूसरी बुक भी लेके चलूँगा। कहने का मतलब है, क्लास में अगर आप एबसेंट हो जाते हैं या कोई परेशानी होती है तो आप वीडियो अच्छी तरह देखिए, पूरे क्वेश्चन एक तरफ से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 14। चलिए क्वेश्चन 14 में क्या कह रहा है। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, मॉड ए मॉड बी मॉड सी की वैल्यू दे रखी है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये तो मैंने तुम्हें बताया है कि जब दो वेक्टर दे रखे हों तो उनके बीच में एंगल हम कैसे निकालते, पहले उसी बात को लिख रहा हूं। वी हैव, जब दो वेक्टर दे रखे हों तो ये फॉर्मूला बताया था, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, इससे हम फॉर्मूला निकाल लेते थे। चलिए ये यूज होगा। क्या दे रखा है उसने, ये दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। इस पर वेक्टर आप लगा लेना, नहीं भी लगाए तो कोई फर्क नहीं है। तो ये ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी। चलिए मैं एक काम करता हूँ, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी करता हूँ, तो माइनस सी डॉट माइनस सी। खोलिए इसे, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इक्वल टू ये सी डॉट सी बन गया। हम ये जानते हैं ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, तो ये तो बन गया आपका मॉड ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी, इसको भी मैं ए डॉट बी लिख दूँ, प्लस ये बन गया मॉड बी का स्क्वायर मॉड सी का स्क्वायर। ये मैं बता चुका हूँ ए डॉट ए क्या होता है, मॉड में इसका स्क्वायर हो जाता है। चलिए मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर, इसे लिख सकता हूँ ट्वाइस ए डॉट बी इक्वल टू मॉड सी का स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ से ये रख दीजिए, रख दें। चलिए तो मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इक्वल्स टू मॉड सी का स्क्वायर। सारी वैल्यू आप रख दीजिए, कॉस थीटा का मान निकल आएगा। चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। तो मॉड ए की वैल्यू कितनी है, 3 जा 9, मॉड बी की वैल्यू है 5 जा 25, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू मॉड सी की वैल्यू है 7 जा 49, तो ये 2 3 जा 6 5 जा 30 कॉस थीटा इक्वल टू ये 49 माइनस ये इधर गए कितने हुए, ये 34 हो गए। तो 30 कॉस थीटा इक्वल टू 15, दिस इंप्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा बेटे। तो कॉस थीटा इक्वल टू ये कितने की वैल्यू होती है, कॉस 60 की। ये कितने की वैल्यू होती है, कॉस 60 की। दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 60। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना निकला, 60, यही पूछ रहा था। अब क्वेश्चन कोई भी हो, यहाँ ए की जगह पर कुछ बी की जगह पर, रूल्स फॉर्मूला यही है। तो किसी भी राइटर की बुक का क्वेश्चन हो ऐसे ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वैसे ये क्वेश्चन दूसरे राइटर की बुक से मैंने लेक्चर 1 या 2 में सॉल्व किया है, दोबारा देख लीजिए। If A, B, C, D be four points so that AB is perpendicular CD,
तो मैं पहले ए बी निकालूंगा वेक्टर और सी डी निकालूंगा, इन दोनों का डॉट करूं वो जीरो आ जाए, तो हम दावे के साथ कहेंगे ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। तो पहले वेक्टर बना लेते हैं, ये ए के अभी पॉइंट दे रखे और मैं वेक्टर बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2i + 3j + 4k। बी के बनाऊंगा वेक्टर तो ये बन गया 5i - 4j - k। सी के बनाऊंगा वेक्टर तो वो बन गया 3i + 6j + 2k। डी के लिखो ऐसे ही i + 2j + 0k, क्योंकि जीरो है। आइए मुझे ए बी निकालना है, वेक्टर ए बी का मतलब है पोजीशन वेक्टर वी माइनस पोजीशन वेक्टर ए बी माइनस ए। ये 5 में से 2 गए तो 3i, 4 में से 3 गए तो +k j - k - 4k - -5k। सी डी निकालिए, इसका मतलब d - c, तो d - c i में से ये गए तो -k 2i, j में से इसे करेंगे तो -k 4j, इसमें से इसे करेंगे -k 2k। आइए अब करते हैं हम ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ए बी डॉट सी डी। देखते हैं ये जीरो आता है या नहीं। तो कहाँ आई की डॉट आई के साथ -6, जे की डॉट जे के साथ -4, के की डॉट के के साथ +10, ये सब कट गए, ये जीरो, इसीलिए ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, यही आंसर है। क्वेश्चन 16, ए बी दे रखा है एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट दे रखे, तो बी के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। चलिए पहले ये जो ए बी वेक्टर दे रखा है ये मैं ये जानता हूँ, ए बी वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर वी माइनस वेक्टर ए, ये तो सब जानते हैं। और ए के कोऑर्डिनेट तो मैं इसे वेक्टर में बदले देता हूँ, ए के कितना हो गया 0i - 2j - k, ये i j के बन जाते हैं, यहाँ तक कोई परेशानी। इसके लिए ए दे रखा है, ए में अगर मैं वेक्टर लगाता हूँ तो ये बन गया 0i - 2j - k। ए को इधर ले जाइए, बी की वैल्यू निकालनी है तो 3i - j + 2k, इधर गया +वेक्टर ए, ए की यहाँ वैल्यू रख दीजिए बस, तो वेक्टर बी का मान निकल आएगा 3i - j + 2k। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ +k i 0 - 2j - k, ये बचा 3i - k 3j और ये बचा +k k, ये वेक्टर निकल आया। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ बी 3 - 3 1, यही आंसर है। आइए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर और भी क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे, या तुम्हारे लिए हम घर के लिए लिखेंगे 2-3 क्वेश्चन जो आप खुद करोगे उन्हें। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, फोर्स दे रखा है इन ए मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम ए पॉइंट ए विद पोजीशन वेक्टर टू द पोजीशन वेक्टर बी, वर्क डन पूछ रहा है। ये देखिए ये कोई एक वेक्टर है यहां ए और यहां बी, तो स्वाभाविक है इसके दोनों के पॉइंट होंगे, यहां से यहां तक जा रहा है तो सबसे पहले मुझे डिस्टेंस निकालनी होगी ए बी। अब यहां से यहां तक जाने में फोर्स तो लगा, कार्य का मतलब क्या है, यहां से यहां तक जाने में जो तय की गई दूरी में दिया गया फोर्स वर्क डन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वर्क डन कहलाएगा। तो यहाँ के जो फोर्स है इसके पॉइंट है इसके पॉइंट है, तो पहले मुझे ए बी की बजाय बी ए निकालना है, ये दे रखा है ए और बी अलग अलग पॉइंट, तो मुझे पहले ए बी निकालना है, डिस्टेंस जिसे बोलते हैं। चलिए तो यहाँ ए के वैक्टर क्या दे रखे हैं, पहले ये देखिए, ए के वैक्टर दे रखे हैं 2i + 2j + 2k और बी के वैक्टर क्या दे रखे हैं, वी के 3i - 4j - 5k। तो मुझे डिस्टेंस निकालनी है ए बी, और ये ए बी होती है बी माइनस ए, अभी बताया 3 में से 1 गए तो कितने बचे i,
यहाँ प्लस के 2j, यहाँ प्लस के 3k, i प्लस 2j प्लस 3k। इसको मैं डिस्टेंस का नाम दूंगा डिस्प्लेसमेंट, अर्थात d। ये कितना निकला i प्लस 2j प्लस 3k। इस डिस्टेंस को हम कवर करने में फोर्स तो लगा होगा, देखते हैं वो फोर्स कितना है। तो फोर्स दे रखा है 2i प्लस जे प्लस के। अब पूछ क्या रहा है वो देखते हैं। वर्क डन, कितना काम किया, वर्क डन का मतलब है फोर्स लगाने के बाद कितनी दूरी तय की गई। तो फोर्स और कितनी दूरी तय की गई तो वो क्या कहलाएगा, हमने कार्य किया वो वर्क ही तो कहलाएगा। तो फोर्स कितनी दूरी थी तय की गई वो लिखिए डिस्टेंस। अब फोर्स कहाँ है हमारा, 2i प्लस j प्लस k डॉट, ये डॉट होगा बेटा मत क्रॉस कर दो डॉट, ये कितना है i प्लस 2j प्लस 3k। 2 जा 2 जा 2, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2, इसकी करोगे तो 3, कितना आया 7। और इसका जो मात्रक होता है ये यूनिटी होता है, तो कितना आया इकाई यूनिटी, 7 यूनिट आया। ठीक है, तो मैं इस पर अब दो एक आध क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपको, आप उन्हें देखिए या मैं सॉल्व कर दूंगा, नहीं खुद कर लेना। ठीक है, चलिए इन क्वेश्चनों को और देख लेते हैं। ठीक है, फाइंड द वर्क डन, इसमें भी वही बात पूछी है, फाइंड द वर्क डन बाई ए फोर्स। तो सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, तो फोर्स दे रखा है आई प्लस टू जे माइनस के इन ए मूविंग ए पार्टिकल। जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो फोर्स लग रहा होगा। फ्रॉम ए पॉइंट ए विद द पोजिशन वैक्टर, ए दे रखा है उसने पोजिशन वैक्टर 2i माइनस 6j प्लस 7k। टू द पॉइंट बी विद द पोजिशन वैक्टर, बी का पोजिशन वैक्टर कितना है 3i माइनस j माइनस 5k। अब डिस्टेंस निकालिए कहाँ से, ए से लेकर बी तक मूव कर रहा है तो मुझे डिस्टेंस निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट ए बी। तो d जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट ए बी में ऐसे लिख रहा हूँ और b माइनस ए ऐसी तो निकालेंगे ए बी बी माइनस ए। तो 3 माइनस 2 कितना बचा i, यहाँ से इसे माइनस करेंगे प्लस के 5j, यहाँ से इसे करेंगे माइनस के 12k। ये हमारा निकल आया डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट में यहाँ से पार्टिकल जब मूविंग कर रहा था फोर्स कह रहा है, फोर्स लगा उस दूरी को तय करने में, उसे हम वर्क डन कहते हैं। तो वर्क डन फोर्स लगा तय की गई दूरी डिस्टेंस डॉट लिखेंगे, यहां मैं मल्टीप्लाई लगा देता हूं इनटू डॉट। एफ कहां है आई प्लस टू जे माइनस के डॉट आई प्लस फाइव जे माइनस 12 के। आई की डॉट आई के साथ, जे की डॉट जे के साथ, के की डॉट के साथ, तो कितने हो गए 23। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, फोर्स दे रखा है F इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इफ इट इज डिस्प्लेसमेंट, इसमें कोऑर्डिनेट दे रखे और मुझे वेक्टर बनाने, बस तो A के वेक्टर बना रहा हूं यहां 3i प्लस 3j प्लस 3k, बी के वेक्टर 4i 4j 4k। अब मुझे जो डिस्टेंस है ए बी वो निकाल लिए, तो बी माइनस ए, माइनस माइनस करोगे तो i प्लस j प्लस k। अब वर्क डन निकालना है, वर्क डन क्या होगा फोर्स डॉट d, फोर्स ये रही i की डॉट i के साथ, J की डॉट J के साथ, K की डॉट K के साथ, कितना हुआ 3 यूनिट, ये 23 यूनिट। अब आप इसमें मैं अभी एक दो लेक्चर और लाऊंगा, लेकिन बाद में अब मैं बताऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट के अगला टॉपिक लेके चलेंगे। ये डॉट प्रोडक्ट के मैंने लगभग यहाँ में 7 या 8 लेक्चर हो गया, 7 लेक्चर है ये, और जो 6 तक लेक्चर उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप देखिए लेक्चर बाई लेक्चर पूरी वीडियो अच्छी तरह से, और आपका पूरी बुक फर्स्ट क्लास हो जाए।